दिन दहाड़े एक वृद्ध की हत्या हो जाती है। दिन दहाड़े ऐसा हुआ है जी, ये जो ये मर्डर हुआ है दिन का समय था, तो मर्डर बिल्कुल दोपहर के समय, एक डेढ़ दो बजे के करीब हो गया, डेढ़ से पौने दो बजे का बीच में, दो बजे तक ही हो लिया। ऐसे सुरक्षित हो सकते हैं साहब, जो गांव से एक आधा किलोमीटर भी दूर नहीं, इतना आवागमन 24 घंटे रोड बहने वाला, दिन दहाड़े एक आदमी की हत्या हो जाती तो कैसे सुरक्षित है बताओ आप? वे उसी में हालत में था, बिल्कुल बोला ऐसे खून से लथपथ था, से पूरी तरह लथपथ थी, आंख सूज रही थी और जैसे पागल टाइप सा एकदम चेहरा बिगड़ रहा था। आड़े से उनके क्वाड भी काटते थे और वहाँ भी ऐसी घटना हुई है, और उसके बाद भी कोई प्रशासन से कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ और न ही कोई सुरक्षा का ऐसा कोई आश्वासन दिया गया। तो वे तो फिर हमको ही मारेंगे, उनकी तो आबादी बढ़ जाएगी, उनका दिल बढ़ जाएगा, तो कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। वो तो जी बचपन से ही उसने संघर्ष करके अपनी मजदूरी और दहाड़ी करके पूरी जिंदगी निकाली है, और बहुत ही मेहनती आदमी था, और अब भी उनके अंदर वही फुर्ती थी, और आए गए का हुक्का पानी के लिए हमेशा वही तत्पर रहता रहता। आंखों पे सूजन था, जिससे कि मुंह का मारा हो, और माथे पे पूरी तरह से वार किया हुआ था, और उनके शरीर के गले से नीचे कोई निशान, कोई ऐसा घाव भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूँ अमित अमन। रेवाड़ी जिले के भैरुकाबास गांव के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पे एक व्यक्ति की, 76 साल के व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, और यहाँ पे जो लोग हैं वो उसी जगह पे उनके घर के अंदर बैठे हुए हैं। अब कैसे क्या पूरा जो मामला है वो हुआ है, व्यक्ति का जो नाम है वो गांधी बताया जा रहा है, तो मामला जो है वो पूरा क्या था वो यही लोग एक्चुअल में बता पाएंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और कैसे क्या जो पूरा मामला है वो उनके साथ में हुआ था। सब आप अपना नाम बताएं पहले तो। फूल सिंह। फूल सिंह जी, ये बताएं कि क्या घटना हुई? घटना ये, एक गांधी जो है वो अपने कुएं पर रहता था, सब्जी वगैरह बोता था, सब्जी कुछ बिक्री करता था जी। और जो है अपना काम करता था, रात दिन वही रहता था। परसों दोपहर डेढ़ दो बजे करीब लेटा गया था चार पाई पर, अज्ञात कोई आदमी आकर के और उनको लेटे हुए को ही उनके सिर में चोट मारी, गंभीर रूप से घायल हो गए, बहुत ज़्यादा खून पड़ा, और वो थोड़ा ही समय में ऐसी कार्रवाई करके चले जी। और उनकी जेब में मोबाइल था, पैसे थे, डायरी थी, वो नहीं मिले। क्या क्या चीजें, कितने पैसे रहे होंगे? पैसे तो 2,500 रुपए जी, डायरी थी और मोबाइल था, वो नहीं मिले, गायब थे, और बनियान उसकी थी, वो पाड़ रखी थी जेब, समझा? जहाँ पे पैसे होंगे उस जगह पाड़ रखी थी, और वो करके कांडर चले गए। ये बहुत ही दर्दनाक कहानी है। वो तो वैसे भी बहुत ही साधारण आदमी था, अच्छा आदमी था, जब इस तरह का आदमी के साथ ये कहानी हो सकती है तो दूसरे आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। कब की घटना है सब? परसों की है। परसों की घटना है। जो गांधी जी थे वो किस टाइप के आदमी थे, और क्या कोई उनके ऊपर ऐसे हमला कर, जैसे महात्मा गांधी थे ना जी, ऐसे ही साधु संत के, संत की हिसाब की थी, बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही शरीफ आदमी थे, और न ही कोई अच्छा ही बुरा है, कोई किसी का भी ज्ञान नहीं था, अपने जमींदारा और आए गए की सेवा करना और अपनी सब्जी बेच करके गुजारा कर रहा था जी। काफी समय से यही काम कर रहे थे। वो तो जी बचपन से ही उसने संघर्ष करके अपनी मजदूरी और दहाड़ी करके पूरी जिंदगी निकाली है, और बहुत ही मेहनती आदमी था, और अब भी उनके अंदर वही फुर्ती थी, और आए गए का हुक्का पानी के लिए हमेशा वही तत्पर रहता रहता जी। तो क्या आप लोगों को किसी के ऊपर शक भी है, आए गए के ऊपर? नहीं, हमें ऐसा कोई शक नहीं है, और न ही हमें कोई ऐसा कुछ लगा, क्यों उनके किसी से कोई एलर्जी तो थी नहीं, नहीं वो ऐसे स्वभाव के थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान थे, और न ही किसी को कभी गलत बोलना या उनके साथ कभी चटपट करना, कोई लड़ाई झगड़ा कोई मतलब ही नहीं होता, तो ऐसी तो कोई बात नहीं थी। लेकिन हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ताकि कोई ठोस कदम उठाएं और इसका कोई ना कोई हल निकाले। तो क्या पुलिस वगैरह या जांच के लिए कोई टीम यहाँ पे आपके पास आई? हाँ, आए हैं पुलिस के, यहाँ पर SHO भी आए हैं, IO भी आए हैं, और DSP साहब भी आए हैं, और CI से भी आए हैं, CI इंस्पेक्टर भी खुद भी आए हुए हैं, और वो देखो हमें आज तो हमें भी ऐसा ही है कि प्रशासन हमें पूरी न्याय दिलाएगा, और इसी आस पर हम बैठे हुए हैं। तो आसपास के जो लोग थे उनसे मिलते जुलते रहते थे या उनके पास बैठते रहते? नहीं, खुद ही जाते थे। अच्छा अच्छा। खुद ही जाते थे उनके पास में, जैसे बाड़ी में काम कर रहा है, आप चले गए,
वहाँ से देख लिया, बाड़ी में काम छोड़ गया आता और भाई आके कहता भाई पानी पी ले जी, हुक्का भरता, हुक्का भर के देता, उसके साथ हम बैठ के दो चार घूंक मारता, बोल भाई तू पी, मैं थोड़ा काम कर लूँ, मैं ये करता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस रोड के ऊपर क्या असामाजिक तत्वों का कुछ आना जाना है, पहले से कोई चोरी चकारी की वारदातें हुई हो? चोरी तो हुई है जी, जी पिछली साल भी पकड़ा थे एक फुहारा नोजल तोड़ने वाला, तो उसको थाने में पकड़वाया, 112 पे फोन किया था, 112 गाड़ी आई, उसको लेके गई थाने में। लोकल था वो या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले? नहीं, दूर का था जी। अच्छा अच्छा। उसके बाद में थाना में देने के बाद में पुलिस ने बासदुद्दा का नाम छोड़ के मनिट्ठी का नाम दिया कि मनिट्ठी में चोरी की है इसने, बासदुद्दा का नहीं दिया, पकड़वाया हमने, पकड़े हमने। और चोरी हो गई भी जी। अच्छा, अब भी कोई चोरी हुई है क्या? हाँ, वो पहाड़ की तरफ खेत है उसका, वहाँ एक मकान बनाया हुआ है, वहाँ सोलर लगी हुई है, सोलर के ऊपर उसने इन्वर्टर वो बैटरी रखी हुई थी, रात को वो कोई जी ताड़ा तोड़ के और निकाल ले। तो फिर आप लोग जो खेतों में यहाँ पे आपके आसपास में लोग रह रहे, तो वो शायद सुरक्षित नहीं है इस प्रकार से? तो अगर चोरी नहीं है जी, सुरक्षित नहीं है ये बात तो कल अपने सीआई इंस्पेक्टर भी ये बात कह रहा था, जब रोड के ऊपर ये काम हो गया तो पिछले वालों क्या हाल है जी, इंस्पेक्टर कह रहा था सीआई। दिन बिल्कुल दिन दहाड़े ऐसा हुआ है जी, ये जो ये मर्डर दिन, दिन का समय था जब मर्डर, बिल्कुल दोपहर के समय, एक डेढ़ दो बजे के करीब हो गया, डेढ़ से पौने दो बजे का बीच में, दो बजे तक ही हो लिया, ये उसी समय का हुआ है जी तुरंत। और रात बिरात को तो कई सुते हुए कुक मार जाते, उसका क्या पता चाहिए, दिन में आ गए जबकि वहाँ आदमी लगभग बैठे रहते थे, लेकिन उस समय पता नहीं कोई ऐसा समय था और कैसी नहीं, कोई संयोग ही हुआ नहीं वहाँ। सर आप कुछ कह रहे थे जो चोरी चकारियाँ हैं उनके बारे में, आप लोग क्या यहाँ पे सुरक्षित हैं आप लोग? मैं ये पूछना, कैसे सुरक्षित हो सकते हैं साहब, जो गांव से एक आधा किलोमीटर भी दूर नहीं, इतना आवागमन 24 घंटे रोड बहने वाला, दिन दहाड़े एक आदमी की हत्या हो जाती है, तो कैसे सुरक्षित है बताओ आप? अभी दो चार दिन पहले भी जो बता रहे इन्वर्टर वगैरह भी चोरी हो गए, तो कैसे सुरक्षित है यहाँ इतने नहीं, तो फिर बाहर जो लोग रह रहे हैं वे कैसे सुरक्षित महसूस? अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या कोई बाहर से भी आके आसपास में रह रहे लोग जो झुग्गियाँ बना के रहते हैं, या कुछ ऐसा मजिक तत्व जो घूमते फिरते हो यहाँ? सर झुग्गियाँ तो यहाँ वैसी कोई झुग्गी नहीं है, मुसलमान वगैरह जो आते थे ये भी अभी भी जो नूह में जो केस हुआ उसको छोड़ कर भाग गए वो जी, लेकिन यहीं के कुछ लोकली ही हैं, हो सकते हैं, तो किसी की श्योरिटी तो नहीं कह सकते है कि कोई लोकली रहा होगा, ऐसा लक्षण लग रहा है कोई, जैसे छोटे मोटे शराबी टाइप के, जैसे गुंडे छोटे मोटे गुंडे होते टाइप के, जिनको उनका गुजारा मिल जाए बस जी। जो ये अंकल जी अभी जिसका मर्डर हुआ है, इनके पास कोई भारी भरकम रकम नहीं थी ना, किसी से इनका बैर भाव, बहुत मिलातू आदमी, पूरा इलाका जानता है इनको जो रोड से गुजरते हैं। तो दिन दहाड़े किसी का मर्डर हो जाता है, आज को वो है कल को कोई और भी हो सकता है, तो क्या पुलिस प्रशासन और इनसे आप मांग वगैरह नहीं करते कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी वगैरह भी होनी चाहिए? नहीं जी, सिक्योरिटी की तो कोई मांग नहीं, ऐसे कोई आती हैं जो ये 112 वगैरह चक्कर मारती हैं, लेकिन उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, अगर इनमें कोई ऐसी दहशत हो, देखो ये दिन दहाड़े ये हो गया तो कैसे हम माने कि भाई उनसे कोई खौफ है इन बदमाशों में? तो आप लोग, मतलब मैं आप सभी से ही पूछना चाहता हूँ, अब आप लोग चाहते क्या हैं, क्योंकि सिक्योरिटी तो आपकी कोई है नहीं अभी फिलहाल, तो आप क्या मांग करते हैं? हम मांग हमारी यही है, सबसे पहले तो इस केस में न्याय मिलना चाहिए, ये कैसे हुआ, किसने क्या, ये मतलब पब्लिक के सामने आना चाहिए, प्रशासन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और इसकी सच्चाई मतलब सामने आनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों के अंदर संदेश जाए कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है, अब पकड़े जाओगे बचोगे नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है, ताकि क्योंकि यहाँ पर तो हर एक लोग कुओं पर बहुत ज़्यादा आबादी है, आधी गांव से ज़्यादा बाहर आबादी है, लोग बाहर रहने लगे हैं जी, सब ट्यूबलों पर रहते हैं ज़्यादातर आबादी, तो वो सभी समझो ये तो सभी के अंदर डर का माहौल है बिल्कुल। भाई जो दिन दहाड़े जो डेढ़ और ढाई के बीच में ये केस एक मर्डर हो जाता है गाँव से बिल्कुल नज़दीक 24 घंटे बहते वाले रोड पर, तो जो अकेला साइड में रह रहा है वो कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? प्रशासन से हमारी यही मांग है कि यहाँ पर जो पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए जी, पुलिस वगैरह की, और ऐसे असामाजिक तत्व हैं उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए किसी भी साइड, और जी दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई और जल्द से जल्द किया जाए।
जी बिल्कुल। और आपके शायद पास में ही एक घर में कुछ दिन पहले भी चोरी हुई थी। हाँ, हमारे गांव में, हमारे गांव का ही वो भी ट्यूबवेल पे, वो भी हमारे गांव का ट्यूबवेल पर ही है और ऑन रोड ही है वो भी। उसके साथ भी ऐसे ही मार पिटाई हुआ था। घर के अंदर भी शायद कोई बाहर के लोग भी घुसे थे और महिलाओं के साथ कुवाड़े से उनके कुवाड़ भी काटते थे और वहाँ भी ऐसी घटना हुई है। उसके बाद भी कोई प्रशासन से कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ और न ही कोई सुरक्षा का ऐसा कोई आश्वासन दिया गया और न ही हुई भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अब आप लोग आखिर चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि जब हमारे यहाँ इलाके की अब ऐसी घटना आगे और ना हो, जल्द से जल्द इस केस में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों को पकड़ा जाए, ठोस कार्रवाई करें, तुरंत पकड़ा जाए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आम पब्लिक के पास संदेश जाए। बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी, सही बात है, बिल्कुल सही बात है बाबा। एक बार मैं आपके पास आना चाहूंगा, एक बार आप भी शायद इधर आ जाए। बाबा आप बताएं, जब ऐसी कोई घटना हो जाती है तो जब अब आप लोग अपने घरों से निकलते हैं तो डर नहीं लगता? डर तो लगता है जी, जैसे गुंडा, तो जैसे मेरा बड़ा भाई था हुए, उसको मार दिया तो हमने तो और मार देंगे। वहीं तो खेत में हमारे सूर आते हैं, बादशाह आते हैं, रुखाई तो करन जानी पड़ेगी जी। तो वैसे थोड़ी पानी भी देंगे, बाड़ी बोर आएगी से रुखाई तो करनी करनी पड़ेगी जी। घर से कोई गुजार नहीं होता तो वह तो फिर हमको ही मारेंगे। उनकी तो आबादी बढ़ जाएगी, उनका दिल बढ़ जाएगा, तो कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। जब ही बचाव हो सके, से नहीं बचाव, हमको आज हमारे बड़े बाइक मार्ग उतड़ के दूसरे को मारेंगे जी। तो क्या आप लोगों ने खुद मिलकर के कोई चीज़ सोची है कि भाई इसको रोका कैसे जाए? अब ये तो हम के बताएं जी, ये तो सरकार ही तो सोचेगी, हमारे के हाथ में जी। माध्यम से मांग कर सकते और क्या कर सकते हैं हम, तो सरकार ही तो करेगी कार्रवाई, कल्डी कार्रवाई तो वही करेंगे अपने प्रशासन करें। मतलब कोई टीकरी पहरा वगैरह या इस तरीके की चीजें हो सकती हैं इसके लिए? सर अभी ऐसे मान लो आप कह रहे हो टीकरी पहरा, हो सकता है वो आपकी घनी आबादी के अंदर हो संभव हो सकता है, लेकिन जो ये अकेले गांव में जो ट्यूबवेल पर रह रहे हैं वहाँ कैसे टीकरी पहरा संभव होगा? और फिर ये दिन दहाड़े बताओ तो दो पैर 12 बजे 2 बजे तो घटना हो रही है, उसमें टीकरी पहरा रहे हैं, क्या करें? 3 किलोमीटर पर है लोग, उससे ज्यादा सब बन गए हैं जी साहब। जब टीकरी पहरा लगता है उसमें जितना टाइम लगता है आने जाने में, उससे जल्दी तो वहाँ पर साधन चलते हैं इस रोड पे। आप उनके बेटे हैं क्या? हाँ जी, जी। हर आधे मिनट में फासले से कम साधन आता है और वहाँ ऑन रोड उसमें ऐसा हो गया तो फिर टीकरी पहरे के क्या फायदा है ये बताओ? इसमें तो यही है भाई, प्रशासन ये नहीं भाई कल होगी कार्रवाई परसों होगी कार्रवाई, इसको तुरंत करके आप पकड़े ताकि जब उनमें खोप हो सकता है। अब भाई वहाँ तो आप क्राइम आज करोगे तो 2 दिन बाद पकड़े जाओगे, तो इसी से रुक सकता है, ऐसे नहीं रुकेगा बिल्कुल। उनके बारे में, आपके पिताजी के बारे में पता कैसे लगा कि उनके साथ कोई घटना हो गई? हमने यहाँ शुरू में उसके हालात, हम रेवाड़ी थे, यहाँ नहीं था हमारे कोई भी, लड़का घर था, वो अकेला दोपहर में रहता था, अपना आराम करता था। तो उसके बाद में ये जो आने जाने वाले हैं जानकार है, वो सभी देखते बाबा क्या कर रहा है। तो एक जानकार था, उसने देखा अगवे बाबा तो बाहर पड़े हैं, जब वो बाबा के पास थोड़ी दूर से ही देख के ये तो हालत ज्यादा है, वो वहाँ नहीं रुका बिल्कुल भी और वो घर आया। किस हाल में था उन्होंने बताया होगा आपको बाबा? किस बेहोशी में हालत में था बिल्कुल, बोला ऐसे खून से लथपथ था, पूरी तरह लथपथ थी, आँख सूज रही थी और जैसे पागल टाइप सा एकदम चेहरा बिगड़ रहा था। तो उसने देखा कि बाबा की हालत ज्यादा खराब है, वो घर पे भाग गया है। तो कोई ऐसी चीज पता लगी हो किसी हथियार से, कौन से वार किया हुआ? नहीं, हथियार का कुछ नहीं, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि नुकुली चीज मारी है सिर के अंदर, ज्यादा गहरी चोट है उसके कारण वो है, और आंखों पर सूजन आ रहा है, फोटो भी है हमारे पास उसकी सूजन की आई हुई। तो उसने बताया तो फिर यहाँ से मेरा लड़का और भाई दोनों लेके गए हैं रेवाड़ी, वहाँ पर एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद उन्होंने कहा भाई ज्यादा सीरियस है तो भाई जयपुर लेके जाएंगे, हम वहाँ जयपुर लेके गए। फिर रास्ते में देखा है अब भाई बनियान फटी हुई है, बाबा का मोबाइल भी नहीं है। लड़के ने मेरे पास फ़ोन किया, बोले पापा वहाँ देखना अपने झोपड़ी में मोबाइल और पैसे हैं कि नहीं बाबा के। फिर हमने वहाँ देखा तो वहाँ पर ना मोबाइल था ना पैसे था। जब हमें तो ये शक हुआ कि भाई किसी ने ये तो जान से मारा है और ये लूट खसोट की है, तो पहले शायद आप लोग ये सोच रहे हो एक्सीडेंट वगैरह का, रोड के ज्यादा साधन आते जाते हैं तो हो सकता है वो किसी साधन की चपेट में आ गए, ध्यान नहीं रहा हो, तो हम पहले तो एक्सीडेंट के समझ रहे थे। लेकिन ये मोबाइल नहीं मिला और स्विच ऑफ आ रहा, जब बिल्कुल ये हो गया कहा ये किसी ने वो किया है, और पूरे सिर्फ गेट्टी से ऊपर ऊपर निशान है, चोट के निशान जितने भी है गेट्टी से नीचे बिल्कुल साफ है, कोई निशान नहीं था। डॉक्टरों के अनुसार तो उन्होंने बताया कि इसको
गला दबा करके और नुकीलू चीज से तीन बार गहरे किए हुए हैं इसकी सर के। आदमी ज्यादा रहे होंगे, दो या तीन आदमी रहे होंगे। कम से कम दो से तीन है जी इसमें, इसमें एक आदमी नहीं है, कम से कम दो से तीन है। एक आदमी रोड पर उनकी निगरानी भी रख रहा था और दो आदमियों का कम से कम अंदर काम, क्यों उन्होंने एक कठ दबाया हुआ है और दूसरा उन्होंने सिर पर घाव भी मारे हुए, चाहे वो चाबी हो चाहे पेचकस हो, उससे उन्होंने गहरे घाव किए हैं। दांत भी टूटे हुए हैं, दांत भी टूटे हुए हैं, आंखों पे वार किया गया, आंखों पे दुख जैसे। अच्छा, वो किसी चीज से मारा गया आंखों पे? किसी चीज से मारा हुआ जी, जी आप आगे आगे एक बार बताएं जरा, और आगे आ जाओ। मेरे वो दादाजी थे उनके, यानी कि हाँ जी अब बताओ क्या कहना चाहते। आंखों पे सोजन था जिसे कि मुक्का मारा हो और माथे पे पूरी तरह से वार किया हुआ था, और उनके शरीर के गले से नीचे कोई निशान, कोई ऐसा घाव भी नहीं था जिससे उनको हाँ भाई दर्द हुआ हो या कुछ भी हुआ हो। मैं उनके साथ रहा था वहाँ पे, एडमिट थे वो, पहले मैं लेके गया एसएमएस में। उन्होंने कुछ मतलब ज़्यादा वो नहीं किया, ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। 80% उनके शरीर में जो सिर के जो धब्बे बन गए थे खून के, उस कारण से उन्होंने ऑपरेशन करने से मना कर दिया जी। फिर उसके बाद मैं एक हॉस्पिटल है जो जयपुर में ही स्टेडियम के पास है, IBS हॉस्पिटल है, स्पाइनल दिमाग का ही है, उस पर लेके गया। उन्होंने एम्बुलेंस में बाहर की बाहर ही मना कर दिया हॉस्पिटल में एडमिट करने से। फिर उसके बाद मैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल में लेके गया, उन्होंने वो SMS से रिपोर्ट मांगी थी, उस कारण से वो बोले कि भाई वहाँ से MLC करवा के लेके आओ, जब ही एडमिट करेंगे उससे पहले नहीं करेंगे। फिर वहाँ से मैं वापस जयपुर हॉस्पिटल लेके आया हूँ, जयपुर या हॉस्पिटल में भी मना कर दिया, उन्होंने रेफर कर दिया SMS हॉस्पिटल में। और बाकी का यानी कि यहीं पे हो गया था, 80% जो खून के धब्बे थे सिर में वो फैल चुके थे, उस कारण से जो घाव थे हड्डी टूटी हुई थी उसमें रिपोर्ट में आई हुई थी, और खून के धब्बे पूरे शरीर में ब्रेन में पूरी तरह से फैल चुके थे, और हड्डी भी टूटी हुई थी जिससे उनका यानी कि ये मान लो गांठ सी लगी हो, या डॉक्टर ये बोले कि भाई गांठ है तो वार किए गए हैं, तीन तो वार किए गए हैं उनके सिर पे पीछे। फिर उसके बाद SMS में मॉर्निंग में 8:33 पे उनकी डेथ हो गई। वहाँ के बाद फिर मैंने पोस्टमार्टम MLC वगैरह करवा के और वहाँ पे फिर डेड बॉडी यहाँ पे लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल। दिन दहाड़े एक वृद्ध की हत्या हो जाती है, और वो भी मरने जाने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, और उनके शरीर पर वार किए जाते हैं, सर के ऊपर तीन तीन वार होते हैं, आँखों के ऊपर सूजन होता है, और साथ साथ वो व्यक्ति खून से लथपथ होता है। जहाँ पे कि प्रशासन की भी जिम्मेवारी बनती है कि इन इलाकों में जहाँ पे कि लोग जो हैं वो अपने कुओं के ऊपर रहते हैं, उनके साथ एक तो जो प्रशासन की यहाँ की कार्रवाई है उसके बारे में अगर बात करें, और फिर दूसरा जब उस व्यक्ति को उस वृद्ध को बचाने की कोशिश इन लोगों ने की और हॉस्पिटल उनको लेकर के जाया गया, तो वहाँ पे उनके साथ उनकी जान बचाने की बजाय उनके साथ हॉस्पिटल खेला गया। किसी भी हॉस्पिटल ने उनको भर्ती तक करने से इनकार कर दिया, और उसके बाद में उनका जो मर्डर अब बोला जा रहा है, उनकी डेथ हो गई। साथ साथ जो मारने वाले थे, क्या उतने ही बड़े जिम्मेवार ये हॉस्पिटल वाले नहीं हैं जो उनके साथ उस समय पे हॉस्पिटल खेल रहे थे? और अब जो प्रशासन की कार्रवाई है, पुलिस इसके ऊपर क्या करेगी? जो इलाके के अंदर ऐसे असामाजिक तत्व, चाहे वो बाहर से आए हुए हों या फिर यहाँ के रहने वाले हों, जो किसी भी एक छोटी सी बात के लिए किसी का मर्डर तक कर देते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, अपना जो गुजारा है वो यहाँ पे सब्जियाँ उगाकर फिर सड़क के ऊपर अपनी जो रेहड़ी है उसको लगा करके अपना जो गुजारा है वो करते थे, उनके साथ में ऐसी घटना होना पूरे समाज के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, और ऐसे ही जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।